नाउ हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, तो 2.3 का क्वेश्चन 2 है उसका सेकेंड पार्ट क्या था. नाउ इसमें हम करेंगे उसका थर्ड पार्ट. अगेन हमें इसमें भी क्या करना है, तो हमें चेक करना है फर्स्ट पॉलीनोमियल है वो सेकेंड का फैक्टर है कि नहीं. अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर ज़ीरो निकलेगा, अगर फैक्टर नहीं होगा तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे डिवीजन मेथड से करना है, तो डिवीजन के लिए पहले लिख लेते हैं इसको एक्स रेज़ टू 5. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 5 के बाद पावर 3 है, दैट मीन्स बीच में 4 वाली पावर मिसिंग है. तो मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँगी 0x^4. यहाँ पे आप प्लस माइनस दोनों साइन लिख सकते हैं. नाउ फिर से -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1. इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे x³ माइनस 3x प्लस 1. यहाँ पे भी x² वाली टर्म नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके, आप बीच में ऐसे लिख सकते हैं 0. नाउ तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म निकालने के लिए x^5 / x³, तो आंसर निकलेगा x², ये राइट डाउन करेंगे क्वेश्चन में, x² × x³ विच इज x^5, x² × 3x विच इज -3x³ एंड x² × 1x², x^4 वाली टर्म नहीं है तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा है. नाउ साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस. नाउ ये कट हो जाएगा, -4 + 3 -x³, x² कट हो जाएगा, 3x + 1. नाउ फिर से क्वेश्चन का सेकेंड टर्म निकालने के लिए -x³ / x³, आंसर आएगा -1, ये यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, -1 × x³ -x³ -1 × 3x +3x -1 × 1 -1. साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे ये कैंसल आउट हो जाएगा, बट +1 + 1 यहाँ पे आंसर आएगा 2, सिंस रिमाइंडर इज 2 नॉट 0, देयरफॉर x³ - 3x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x^5 - 4x³ + x² + 3x + 1. आई होप यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. थैंक यू.